हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम लेके आए हैं अपना हॉरर ग्रैनी गेम। अबे हमको इस गेम में समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या सुकून मिलता है। हमको तो बहुत ही गंदा गेम लगता है, पर चलो ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है। गंदा सा घर है। हाँ, तुम लोगों को गंदगी बहुत पसंद है। भूतनी के नहा धो लिया करो, तुम लोग नहाते धोते नहीं हो, इसीलिए गंदे गंदे घर पसंद होते हैं। खैर यार, अलमीरा में देखते हैं कुछ मिल जाए। लव लव लाइफ लव लव क्या लव जैसा कुछ दिख रहा है। अरे वैलेंटाइन डे में दिमाग खराब हो गया मेरा, हर चीज़ में हमको लव दिख रहा है। हाँ लव ही है। और हमको और भी ढूंढ लेते हैं, शायद और कुछ मिल जाए। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ इसमें कुछ है। अबे मिल जाए। अबे यार नानी का घर कितना खाली है। नानी का घर बिल्कुल नानी की तरह है, बकवास सा। नानी और हमने तोड़ दिया। नानी बहुत मारेगी, भागो। मैं छुप जाती हूँ गाइस, क्योंकि पता नहीं चलेगा अगर नानी आ गई ना तो चौका छक्का मारेगी। बस वो ठुमक ठुमक आ ही रही होगी। आ गई। नहीं नानी, नानी नहीं, नानी नहीं, नानी ना। छी यार, बहुत हरामखोर नानी है हमारी यार, कसम से फेंक दिस उठा के। खैर चलो, नानी की पिटैया के बाद हम फिर होश में आ चुके हैं। फिर से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे लूटपाट मचाने की। यार ना नानी का घर गंदा सा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो हमको बहुत सारा लूटने को मिलता है। ओहो, सेकंड अलमीरा खोल के देखते हैं इसमें कुछ है। अबे अबे कैमरा इसी में घुस जाएगा क्या? अबे अलमीरा, अरे अलमीरा में छुपने का भी ऑप्शन आता है। ओह अरे अरे, हमको तो पता ही नहीं था। देखा गाइस, इसीलिए तो कहते हैं चुप्पे चुप्पे गेम खेलने का अपना ही मजा है। मतलब गेम के नॉलेज ना होने पे यही होता है। देख रहे हो, हम छुप गए अलमीरा के पीछे। और ये हम खिड़कियों से झांक रहे, गोलाकार खिड़कियाँ। अभी निकलूँ कि नहीं निकलूँ, बताओ क्या कहते हो? अच्छा चलो निकल ही जाते हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर बगल वाले कमरे में। जाएँ कि ना जाएँ? जाएँ। अच्छा चलो चले जाते हैं, बगल वाले कमरे में जा रहे हैं। और अरे दाएँ बुढ़िया औरत, कंदौड़ी, दांत भी नहीं धोती और आ गई मुँह के सामने। बदबू के मारे पूरा मुँह सड़ गया हमारा। हट। चलो फिर से तीसरी बार होश में आते हैं। इस बार हम बहुत आराम से खेलेंगे, हम एक पल भी आवाज़ नहीं करेंगे। नानी के जितने भी पैसे गड़े हुए होंगे हम सब चुप्पे चुप्पे निकाल के गाइस हम लोग चॉकलेट खाएंगे, बहुत ज़्यादा वाली। इस बार हम नीचे जाएंगे। बगल वाले भागो भागो, अबे अबे भागो, अबे 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 इसके कहाँ, अबे कहाँ छुपूँ? इसी के नीचे छुप जाती हूँ। अरे यार नानी बैठ जाओ ना यार सुकून से। क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है यार? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? अबे मैं तुम्हारी नातिन हूँ, नातिन पोती थोड़ी हूँ जो इतना हरामीपन कर रही हो। दहेज देना पड़ेगा, नातिन हो तुम्हारी, दहेज नहीं देना है तुमको, दफा हो यहाँ से। अबे जा रे, अबे तो जा रे। खैर छोड़ो गाइस, तब तक चलो मैं तुम लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम लोगों को इसमें क्या अच्छा लगता है मुझे बताओ। नहीं क्या अच्छा लगता है? एक तो अच्छा ये दादी कभी लकड़ी मार के चली जाती है, कभी घुम्मा मार के चली जाती है। लो जा रही है, मतलब बात भी नहीं करने देती। कोई हमको बात नहीं करने देता है, हमको गुस्सा आ जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, जाने दो नानी को। हम फिर निकलते हैं चुपके चुपके चुपके, धीरे धीरे निकलेंगे, हौले हौले, रेंगते रेंगते। चलो फाइनली ये खजूरा जैसा लग रहा है। ये खनखजूरा है, ये क्या है? कि चूहा है कि खनखजूरा है? अबे ये नानी क्या अकेले रह रहे के जानवर पालने लगी है? अभी क्या चिड़ियाघर खोलेगी क्या? इस अलमारी में देखते हैं, अच्छा शायद कुछ मिल जाए मजाक से हटके। अच्छा इस अलमारी में छुप जाती हूँ। अरे 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 चूहा था क्या अंदर? पेल दीज, अरे भगवान। फिर से उठते हैं। नानी आप तो चाहती ही नहीं कि मैं आपकी इज्जत करूँ। कौन सी ऐसी नानी है जो अपनी नातिन को इतना लहूलुहान करती है? कोशिश करते हैं चार पांच दिन बाद फिर होश में आने की, कि चलो आ जाते हैं। आने के बाद नानी क्या, मैं यहीं बैठती हूँ यार। एक तो ये सामने जो पड़ा हुआ है ना, हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये खनखजूरा है, कि ये जंजीर है, कि ये क्या है, ये क्या है, पीछे खोपड़ा है, कि ये मकड़ा है, ये है क्या? हम ये नानी के घर में ये सब पाना कंपलसरी है क्या? हमारी नानी के बारे में अगर हमने ऐसा बोल दिया ना, हमारी नानी को कहीं वीडियो ना दिख जाए, कचर कचर के हमको कूच देगी। है नानी के घर के बारे में ऐसा बोलती है, बहुत मारेगी मेरी। Stop right there, criminal scum. Nobody breaks the law on my watch. मेरी नानी दौड़ा दौड़ा, अरे ये औरत हरामखोर मोटी भैंसी, मेरी सगी नानी ऐसी नहीं है, ये सौतेली नानी कहीं की। हट छोड़। अच्छा फिर से हम होश में आते हैं। पांचवा दिन है, चलो कोशिश करते हैं गाइस, हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। एक दिन हम इस घर से निकलेंगे, क्योंकि नानी अपना घर साफ़ नहीं करती, झाड़ू पोछा नहीं लगाती है, लगाएगी भी कैसे?
चूहे बिच्छू कच्चर खुच्चौड़ा पता नहीं क्या क्या पाल के तो रखी है, झाड़ू पोछा कहाँ से करेगी, वो लोग हफ्ते मुक्ते तो यहीं पड़ा रहता है। हाँ बाब यहीं पड़े रहेंगे गाइस, हमको जाना ही नहीं है यार, ये नानी हमसे प्यार नहीं करती है। चलो अच्छा निकलते ही है भाई। हेलो निकलना ही भाई फिर। अरे यार ये औरत बहुत हरामखोर औरत है यार, ये क्या बताए फिर, ये कुछ नीचे यार, ये एक तो ये औरत का हमको भरोसा। अरे तेरी मम्मी, अरे नानी क्यों मार रही हो, मैं तो बस जाना चाहती हूँ, तुम्हारा ही तो खाना पानी बचा रही हूँ मैं नानी, ताकि तुम्हारा खर्चा ना हो यार, मैं बहुत खाती हूँ, मेरा तो चार टाइम का है। नानी की आंखें एलईडी लाइट जैसी टिमटिमा रही है, टिमटिम टिमटिम टिमटिम। नानी लेकिन तुम दांत नहीं मांझती हो, थप्पड़ मार के हमको नीचे बिथेर दी, छी वे। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो क्या ही कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।